हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीमा जेटली। आज मैं आपको फेस क्लीनअप बताऊंगी। फेस क्लीनअप और फेशियल में कोई खास फर्क नहीं है। लोग कहते हैं कि क्लीनअप करा लो, लेकिन हाँ, जैसे क्लीनअप आप जैसे ये एज है इनकी, तो इनकी एज पे फेशियल ज़्यादा देर मतलब मसाज नहीं करनी, इनको सिर्फ थोड़ी सी लाइट सी मसाज चाहिए होगी, हल्की सी स्क्रबिंग, क्लीजिंग और पैक लगेगा, तो इसको आप क्लीनअप का नाम दे सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इनकी एज अभी काफ़ी कम है। तो मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि आप 19 साल से लेकर 25 साल की एज में आप क्लीनअप ही दो तो काफ़ी सही रहती है इसकी। ज़्यादा देर मसाज नहीं करनी चाहिए, वैसे भी फेशियल में भी बहुत देर तक मसाज नहीं करनी चाहिए है। ज़्यादा देर मसाज करने से दाने आ सकते हैं, स्किन में स्वेलिंग भी आ सकती है फेस में, तो मसाज वैसे भी 10 से 15 मिनट ही करनी चाहिए। आज हम इनका क्लीनअप करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लीनअप के लिए हम लेंगे, प्रोसेस वही रहेगा। जैसे आप देखो, ये हमने कुकुम्बर का लिया हुआ है, इसमें हमने स्क्रब, जेल, क्रीम और पैक सब कुछ लिया हुआ है, बट हम मसाज कम देर के लिए करेंगे। और क्योंकि इनके फेस पे देखो बहुत इनोसेंट सा फेस है, बहुत ही कम देर के लिए मसाज चाहिए, बहुत स्किन सॉफ्ट होती है इस एज में, तो ज़्यादा मसाज की ज़रूरत नहीं होती है। पहले हम फिर आराम से चेयर पे इनको लिटा देंगे, और ये भी है अब हम पहले क्लीजिंग से क्लीन करेंगे, क्लीजिंग भी लेंगे, उससे स्किन को क्लीन करेंगे। मसाज बहुत ही लाइट हाथ से करनी चाहिए, बहुत ही लाइट सर्कुलर मोमेंट्स में करेंगे, और सारे स्ट्रोक्स नहीं करेंगे। जितने फेशियल में स्ट्रोक्स होते हैं, इस एज में सारे स्ट्रोक्स नहीं करेंगे, बहुत लाइट हैंड से करेंगे इस तरह से। पहले हमने ये फेस क्लीन कर लिया है, अब इसको हम पोंछ देंगे, क्लीन कर देंगे। हम स्क्रबिंग करेंगे, ये हमने स्क्रब लिया हुआ है, स्क्रब भी हम बहुत ही लाइट हैंड से करेंगे, जैसे ब्लैक हेड्स, पिंपल्स रिमूव हो जाए। इस तरह से ये हम स्ट्रोक्स करेंगे, नोज पे अच्छे से करेंगे स्क्रबिंग। नोज पे स्क्रबिंग करने के लिए ये हम नोज पे लगाएंगे स्क्रबिंग स्क्रब, और इसको हम यहाँ पर राउंड राउंड सर्कुलर मोमेंट में इस तरह से करेंगे। आप देखो, तो जितने भी ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स होंगे सब निकल आएंगे इसी में, बहुत ही हल्के हल्के हाथ से करेंगे स्क्रबिंग। हम 2 से 3 मिनट ही करेंगे। पूरा क्लीनअप हम 7 से 10 मिनट तक का करेंगे। अगर आपका हाथ सूखने लगे तो आप रोज़ वाटर ले सकते हो, रोज़ वाटर लेके हल्के हल्के हाथ से हम स्क्रबिंग करेंगे। स्क्रब हम कभी भी आँख के ऊपर नहीं करेंगे, मेन जो पार्टिकल्स होते हैं वो आँख में जा सकते हैं, तो स्क्रब हम आँख के ऊपर नहीं करेंगे। अब ये स्क्रबिंग हो गई, ज़्यादातर हम नोज पे करेंगे, यहाँ पर करेंगे और चिन चीक्स पे करेंगे इस तरह से। अब ये स्क्रबिंग हो गई है, अब हम इसको क्लीन कर देंगे, टिश्यू पेपर लेंगे और इससे हम अच्छे से क्लीन कर देंगे, इसका कोई भी पार्टिकल्स ना रह जाए, हम अच्छे से क्लीन कर देंगे। एक बार और क्लीन कर देंगे कि कुछ भी स्क्रब रह ना जाए फेस पे। अब हम ये जेल लेंगे, और हम जेल से मसाज करेंगे। आप क्लीनअप के लिए आप चाहो तो स्क्रब के बाद सिर्फ जेल से मसाज कर सकते हो और फिर पैक लगा सकते हो। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप क्रीम से मसाज ना करके, गर्मियों का सीजन है, आप थोड़ा सा स्क्रब लेके मसाज कर लें, फिर उसके बाद कोई भी जेल ले लें, फ्रूट जेल ले लें, मार्केट में काफ़ी तरह के जेल मिल जाते हैं, फ्रूट जेल ले लो आप, मिंट जेल ले लो, चंदन जेल ले लो, और एलोवेरा जेल, सब तरह के जेल आते हैं, आपको जो सूट करे। आपके अगर पिंपल्स हैं तो आप एलोवेरा जेल या फ्रूट जेल लेके आप हल्की सी मसाज करके पैक लगा सकते हो, तो ये आपकी स्किन
में जो डस्ट रहती है, जो गंदगी रहती है वो निकल जाती है, ब्लैक हेड्स वगैरह रिमूव हो जाते हैं। इस तरह से अब हमने इनका इसी तरह से राउंड राउंड में करेंगे और ये हमने जेल से किया है। जेल के बाद हम इसको क्लीन नहीं करेंगे, इसी के ऊपर हम थोड़ी सी क्रीम ले लेंगे। ये हमने कुकुम्बर के लिए हुई है क्योंकि इनकी स्किन थोड़ा ऑयली है, तो हम उसी हिसाब से कर रहे हैं और बहुत ही लाइट हाथ से करेंगे। नेक पे हम इस तरह से करेंगे क्योंकि अभी काफ़ी कम एज है, तो हम सारे स्ट्रोक्स नहीं करेंगे। फिर हम ये आईब्रोज में करेंगे और ये हम नोज पे करेंगे। फिर हम रिलैक्स देने के लिए आँख के ऊपर हम हल्के से इस तरह से हैंड रखेंगे उंगलियां, और अगर हमें वाइब्रेशन देना है तो हम इस तरह से हैंड को रखेंगे और हल्के हाथ से हम इस तरह से वाइब्रेट करेंगे। इनके हम इलेक्ट्रिक चार्जर नहीं लगाएंगे, इस एज में इलेक्ट्रिक मसाजर हम बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, बस हैंड से ही मसाज करेंगे। अब ये मसाज हो गई है, क्लीन कर देंगे। बहुत ही हल्के हाथ से क्लीन करेंगे। अब हम पैक लगाएंगे। अब हम इसमें फेस पैक लगाएंगे, ये भी हमने कुकुम्बर का ही लिया है। पैक हमेशा बाहर की तरफ लगाएंगे, आंखों को अवॉइड करेंगे, आंख के पास नहीं लगाएंगे। इससे पहले अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सीमा जेटली के नाम से है। और मेरे काफ़ी सारे वीडियोस पड़े हैं, आप उनको देख सकते हो, ब्यूटी टिप्स के भी हैं, हेयर कट के भी हैं। अब हम ये पैक लगा कर के 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे जब तक ये सूख नहीं जाता है। देखो ये सूख गया है और ये 10 मिनट हो गए हैं, काफ़ी सूख गया है। अब इसको हम क्लीन कर देते हैं। क्लीन करने के लिए भी हम नैपकिन से क्लीन करेंगे हल्के हाथों से। स्किन में खिंचाव नहीं आएगा, पहले हम इस तरह से गीला कर लेंगे या अपने हैंड को गीला कर लें, खिंचाव नहीं आना चाहिए इस तरह का, क्योंकि सूख गया है पैक। गीला कर लेंगे फिर हम इसको क्लीन करेंगे। बिल्कुल सूखा सूखा नहीं पोंछेंगे, नहीं तो स्किन में खिंचाव आ जाएगा। इस तरह से आप देखो ये हमने पूरा क्लीन कर दिया है, कितना फेस इनका क्लीन हो गया है। मेरे फेस पे बहुत ग्लो आया है फेशियल के बाद, मेरे स्किन पे बहुत ग्लो आया है और बहुत ही सुधार आया है जो कि मैं फील कर सकती हूँ। काफ़ी डस्ट रहती है आजकल के ज़माने में, तो अगर आपने इनका चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए सीमा जेटली के नाम से।